एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी बज रहा है 2:30 और अभी मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह ही करती बट सुबह मैं छत पे नहीं आई थी और मेरे मतलब नीचे में ना थोड़ा अंधेरा अंधेरा टाइप का लगता है, लाइट उतना नहीं आता है, इसलिए मैं सोचती हूँ छत पे ही जाके करूँ या फिर जो सेकेंड फ्लोर पे हम एक रूम है उसमें करूँ। तो इसलिए आई ही नहीं छत पे, आई भी 1:30 बजे करीब में। चादर वगैरह था, बेडशीट वही धोई थी तो सब डालने के लिए आई थी और अभी आई हूँ उठाने के लिए। तो सोचा अभी वीडियो का स्टार्ट कर दूँ, सो मैंने कर दिया है। और देख सकते हैं स्वेटर वगैरह मैंने पहन लिया है। मुझे बहुत ठंड लग रहा है, ये 3 दिनों से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा है। मुझे ही नहीं, मेरे को लग रहा है सभी को लगता होगा, क्योंकि ठंड बढ़ गया है वहाँ का। इतना ठंड झेलने के बाद मैं सोची यहाँ थोड़ा कम लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लग रहा है। और सूरज भगवान को मैं आपको दिखा रही हूँ डूबते हुए जा रहे हैं। देख सकते हैं सूरज भगवान को डूब रहे अब। तो अभी ठंड का मौसम है ना, जैसे लगता है कितना जल्दी वो डूब जाते हैं। और गर्मी में तो बाप रे, 5-6 बजे तक उजाला ही रहता है। और ये जो पेड़ पौधा देख रहे हैं ना, इसकी वजह से ना हम लोग का छत पे आने से ना इतना मतलब ठंड लगता है ना, कि मतलब पूरा हवा जब चलता है ना तो पूरा तेज, जैसे पत्तों से ही पता चलता है कि कितना तेज हवा है, बहुत ज़्यादा लगता है बहुत। और हम लोग का ना बहुत मतलब ये जो जगह था पूरा खुला था, अभी पेड़ पौधा जो हो गया है तो थोड़ा ढक गया, नहीं तो पूरा खुला था ये, देख सकते हैं। तो जा रही हूँ, बहुत सारा कपड़ा है सब उतार लो। आज है ना मुझे अभी बनाना है गाजर का हलवा। मुझे उतना पसंद नहीं है, चाहे मैं जितने भी अच्छे से बना लूँ उतना अच्छा नहीं लगता। ये नहीं कि मैं नहीं खाती हूँ, एक आध चम्मच खा भी लेती हूँ। तो सबको घर में माने, जैसे आर्यन के पापा को, आर्यन के अंकल को, आर्यन को और ऋषिका को स्पेशली, मुझे भी खाना है, बड़ी मुझे भी खाना है। तो मैं बोली ठीक है, तो आज वो बनाऊंगी। मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिलहाल अभी कपड़ा उतार लेते हैं और थोड़ा नीचे वाला जो सेकेंड फ्लोर पर जो रूम है उसका थोड़ा बेडशीट वगैरह जो धोई हूँ वो डाल लूँ। बस बने रहिए, शेयर करती हूँ। तो फिलहाल देखिए, जैसे नीचे आई मैंने ऑर्डर किया और 13 मिनट दिखा रहा है। सच बता रहे हो ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है मुझे। कुछ भी जैसा छोटा भी सामान मंगाना होता है ना तो 1-2 मैं नहीं मंगाती हूँ। मैं याद कर करके ना, जितना भी हो मतलब कि 6-7 सामान तो हो ही जाए, क्योंकि और 1-2 सामान लेके और मुझे ऑर्डर करना भी ख़राब लगता है। तो फिलहाल जो जो मुझे गाजर का हलवा में चाहिए था, जो मतलब उसमें जाएगा ही जाएगा, वो मैंने मंगाया है। और भी मुझे कुछ सामान चाहिए था, वो भी मैंने ऑर्डर कर दिया है। तो चलिए आता है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा सब सामान आ गया था, जैसे कि आटा था, चीनी था, दूध 2 पैकेट मंगाया था, जिसमें कि मैंने 1 पैकेट तो सही था, दूसरा पैकेट फट चुका था। वो बोल भी रहे थे कि मैम इसका मतलब फट गया है, तो मैं क्या, मैं बोली कोई बात नहीं, जानबूझ के थोड़ी होता है। और यहाँ घी है, मावा है, जो कि पड़ेगा गाजर का हलवा में। तो फिलहाल यही है। और आर्यन को खाना है उसे मैगी, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं मैगी बैठा दी हूँ, इतना ना ज़्यादा भावे कुछ दिख ही नहीं रहा। तो सिंपल सा मैंने इस मैगी बनाया, बस प्याज और टमाटर देके। आर्यन को काफ़ी अच्छा लगता है ये। उसके बाद चलते हैं अपना गाजर का हलवा बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ देखिए मैं अच्छे से छील के रख रही हूँ, तो थोड़ा आर्यन का भी हेल्प लिया है मैंने, क्योंकि ज़्यादा है ना, तो मैं बोली थोड़ा सा कर दो आर्यन, तो आर्यन भी मतलब मुझे छील छील के दे रहा है। और मैं ना थोड़ा सा आज कद्दूकस करके नहीं बनाऊंगी, आज मैं छोटा छोटा कट जैसे देख सकते हैं, और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और मैं बनाऊंगी कुकर में। मैं ये यूट्यूब से ही देख के बना रही हूँ, काफ़ी मुझे आसान लगा, आसान तो लगा ही, मतलब गैस बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है इसमें यार, बहुत ही ज़्यादा। तो पहले इसमें मैं घी डाल दूँगी, ये पतंजलि का जो अभी मंगाया है मैंने। उसके बाद जब बन जाएगा ना तो थोड़ा सा घी फिर आप डाल देना, कि मतलब जो स्मेल आए और खाने में जो स्वाद लगे ना वो काफ़ी अच्छा लगे। तो देख लीजिए यहाँ पे घी गरम हो गया मेरा, सब डाल देती हूँ मैं फटाफट। उसे थोड़ा बार मतलब ना 3-4 बार मैं चला के, जैसे कि थोड़ा सा मतलब लाल तो नहीं समझ में आएगा गाजर का हलवा है, हाँ लगे कि आप भूज लिए हो। फिर उसमें मैं दूध डाल के इसके बाद 3 सीटी मैं दे दूँगी। पूरे अच्छी तरह से गल गया था, मैं सच बता रही हूँ, इतना परफेक्ट जैसा मुझे चाहिए था ना वैसा पूरा गल गया था। और यहाँ 1 पैकेट मैंने पूरा दूध डाल दिया है देखिए, और वो दूध मैं रख लूँगी चाय वगैरह के लिए, 1 पैकेट जो है। तो चलिए यहाँ पे देखिए 3 सीटी होने के बाद मैंने यहाँ पर उतार लिया है, काफ़ी अच्छा से मतलब पूरा ही गल चुका है, देख लीजिए।
अब वो जो दाल जिससे मथते हैं ना, मेरे पास तो वही है, क्योंकि आजकल तो जिससे छोले भटूरे का छोला बनता है वो करने के लिए भी आता है, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी और आलू की भुजिया, क्योंकि रोटी और वो और यहाँ पे हलवा। रही थी, क्यों रो रही थी, क्या देखने के लिए रो रही थी? चिकू बंटी। हाँ। और क्या देखोगी? मोटू पतलू। मोटू पतलू क्यों नहीं देखोगी? क्या चिकू बंटी? हाँ। छोड़ो नारियल। हाँ। क्या पी रही बाबू? दूध। अच्छा हम बना रहे गाजर हलवा तो खाओगी? क्यों, क्या खाओगी? मम्मी का पसंद से खाती हो? मतलब मेरे से नहीं ना खाती हो? तुम कहो हम कुछ देंगे भी नहीं। ठीक है, ठीक है, भाग्य से। तो यहाँ मेरा हलवा हो रहा, तुम्हारी कृषिका का बकवास सुन के आ गई। मैं यहाँ पे इलायची डाल दूंगी, उसके बाद थोड़ा सा और चलाने के बाद मैं यहाँ पे काजू और किशमिश, तो लगभग लगभग ना मेरा हलवा हो ही जाएगा। क्या बोलूँ, आज तो लग रहा है मेरा, जहाँ 3 महीना गैस चलाती हूँ, इस बार मेरे को लग रहा है 2 ही महीना चलेगा। बहुत टाइम लग रहा था भाई, और मैं नहीं बनाने वाली हूँ। अगर बनाऊँगी तो अपने छत पे चूल्हा वगैरह बना के तो ही मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मावा डालने वाली हूँ मैं। मावा नहीं, खोया, मावा भी बोलते हैं शायद। तो देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए काफ़ी अच्छा बना था, बट यही था कि थोड़ा मुझे और भी सुखाना चाहिए था। आर्यन के पापा बोले कि और सुखा देना, मैं बोली आप तो सुखाने वाले हैं नहीं भाई, आप लोग ऐसे ही खाना है, खा लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे आर्यन चला रहा है। छोड़ो हटो ना, हम कर लेंगे, हटो। चीनी डाल के चलाओ, चला। तो ये चीनी डालूंगी, उसके बाद मेरा हलवा बन जाएगा, उसके बाद बस रोटी बनाना बाकी है मेरा। तो चलिए फटाफट रोटी बना लेते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। और यहाँ एकदम हलवा हो गया है, देख सकते हैं, हलवा मतलब पूरा घुल मिल गया है। तो चलिए फटाफट रोटी बना लेते हैं। रोटी बनाना हुआ है कंप्लीट, अभी मतलब तो काफ़ी टाइम लग जाता है यार ये हलवा बनाने में। तो फिलहाल जब भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ, सब खाएंगे तो पूछेंगे कि कैसा बना है कैसा नहीं। मैं खुद बनाऊँगी तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा, बट सबसे पूछूँगी। अभी कोई नहीं आया है, मैं अकेली हूँ अभी घर पे। तो चलिए रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। ले ले ले, फाइनली सब लोगों ने खा लिया है। आर्यन तो खाएगा नहीं, आर्यन क्यों नहीं खाओगे बोलो जल्दी? मीठा नहीं खाएगा। और यहाँ पे आर्यन के पापा खा रहे। कैसा बना है? ठीक है, गीला गीला हो गया। और सूखता क्या, कल ठंडा है, कहीं सूख जाए। फ्रिज रहता ना तो, मतलब फ्रिज चलता तो रख देते। और आपका माता जी का दर्शन वगैरह सब अच्छा से हो गया? बहुत अच्छा सर, वृंदावन भी। हाँ, वृंदावन भी अच्छा जगह है ना, लेके चलिएगा। बाकी बिहारी लाल। हाँ, तो ये ग्रुप में गए थे तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और सब लोगों ने तारीफ किया हलवा का। हाँ, थोड़ा सा गिल्ला टाइप का हो गया है, देखिए जैसे मुझे और थोड़ा सा सुखाना पड़ेगा, है ना, दूध ज़्यादा लग रहा है नहीं। ठीक है, कल तक देखेंगे तो फिर सुखा देंगे, और क्या। और आर्यन तो खाने वाला है नहीं। क्या खा रहा बता दो। क्या खा रहा बेटा? नहीं बताएगा। चलिए मैं भी चेंज वगैरह कर लूँ, जा रही हूँ सोने के लिए। मैं भी थोड़ा ही खाई, अच्छा लगा मुझे, और थोड़ा सा सुखाने की और ज़रूरत है, बहुत गैस वेस्ट होता है भाई। तो चलिए कल कर लेंगे, देखते हैं ठंडा का मौसम है, अगर नहीं सूखेगा तो फिर सुखा देंगे। वैसे सब लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा बना है। तो चलिए कर देते हैं इस वीडियो कहीं पे एंड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।